आदर व मान सम्मान के योग्य आदर व मान सम्मान के योग्य हमारी बड़ी बहन शैलजा जी, सुरजेवाला जी, बहन रेणुवाला जी, सभी वरिष्ठ नेतागण और दूर दराज से आए इकट्ठे हुए सभी शिरोराल का वासियों का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हम दोनों की तरफ से आप ही को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा में सांसद, पूर्व मंत्री, हमारे भाई रणदीप जी सुरजेवाला, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुजर, मेरी बहन रेणुबाला जी, हमारी विधायक, हमारे
अन्य सभी साथीगण, भाई अक्रम खान जी, भाई शमशेर गोगी जी, बहन शैली चौधरी जी, सभी साथीगण यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, इतने प्यार के साथ आप हमारा इंतजार कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये इंतजार केवल हमारा नहीं, ये इंतजार है कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा का, जो यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक जा रहे हैं 6,500 किलोमीटर और वो आपकी आवाज को उठाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, दलित को, पिछड़े को न्याय दिलाने के लिए, किसान को उसकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए, सभी लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए। तो साथियों, हम सभी राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश लेकर आए हैं। आज जरूरत है हर घर को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर मजदूर को, किसान को न्याय की, और इस न्याय यात्रा के तहत हम सभी, मेरे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, मैं, हमारे साथी रेणु बाला जी, अन्य सभी साथी ये यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। आप सबने जो हमारा स्वागत किया है, मैं भाई विकास जी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी साथियों का, नए पुराने सभी साथियों का। क्यों पंडित जी, आप तो पुराने हो गए, अब ये छोरे सारे नए हो गए। धन्यवाद करते हैं, आइए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद।